आ जाइए मेरे नौजवान साथियों, आज मैं प्रखर हिंदुत्व प्रोधा माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के निधन के उपरांत आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जा रहा हूं। मैं शास्त्री सत्येंद्र चैतन्य गांव नगला मिलिक से, सुनेंगे कि किस तरीका से बाबूजी कल्याण सिंह ने 6 दिसंबर 1992 को प्रभु श्री राम के अस्तित्व के लिए अपनी कुर्सी में लात मार दी थी। आहरे प्रखर हिंदुत्व प्रोधा, सदा आप याद आओगे। भारत माता की चाहत हुए हिंदू छत्री बिलक रही किस दिल को चीन न आपत हुए को चीन न आदत हुए भैया बीटू। बाबूजी कल्याण सिंह प्रखर हिंदुत्व प्रोधा 21 अगस्त को चिर निंद्रा में सो गए। आज कह रहे हैं लोग हर दिल गम से ये आहत हुए है अनुमान और स्थान सब इस मरण बोल अब आवत हुए इन बाबूजी का जन्म जनपद अलीगढ़ के तहसील अतरौली के पास गांव मड़ौती में 1932 को हुआ था, जनवरी के महीना में। लेकिन शेर प्रणपूर्ण किया है यान त्यागी पिता से अदा मनु बाबत हुए सब कद नाटे बुने लगते कल्याण सिंह वे तागत हुए बेटा अनुज। 6 दिसंबर 1992 का वो वाक्य याद आ रहा है जब प्रखर हिंदुत्व प्रोधा प्रभु श्री राम के आराध्य बाबूजी कल्याण सिंह ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व के लिए अपनी कुर्सी में लात मार दी। आजकल का कोई नेता होता वो कुर्सी से चिपक जाता। बेटा बीटू वही याद आ जा रही है बाबूजी की। प्राण पूर्ण किया है प्राण त्यागी
पुने लगते कल्याण सिंह वे ताकत है। एक बात और भी बताना चाहूंगा बाबूजी का, जो हमारे आर्या व्रत देश में जो योगदान रहा, आज भी लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बाबूजी के कार्यकाल में इंटर में पास हुआ था, मैं बाबूजी के कार्यकाल में हाई स्कूल में पास हुआ था। बाबूजी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। बारे प्रभु श्री राम के आराध्य आज बहुत याद आ रही है आपकी। मैं बार बार वंदन करता, तुम पर बल बल है भारत हुए, हर युग में आना धर्म पुत्र हिंदू सलामत हुए। हर युग में आना धर्म पुत्र हिंदू सलामत हुए। भैया मिथुन लोधी, राहुल लोधी आलमपुर से और मिथुन लोधी अगला बदीला से बैठे हुए हैं। कल्याण सिंह को बांध रे, प्रभु तेरा भाई अमानत हुए। फिर आना तुम भारत माता की चाहत है। लेकिन बेटा अनुज, अब तो बाबूजी की सिर्फ यादें रह गई, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, ऐसा सुंदर सुगड़ महात्मा अब क्या फिर फिरी आवे गो, ऐसा सुंदर सुगड़ महात्मा अब क्या फिर फिरी आवे गो। सुंदर सुगण मातमा अब का फिर आवे गो।